तो जो इंडियन आर्मी है वो खासकर जिस तरह बिपिन रावत साहब को सीडीएस बनाया गया, तो ये कितना कोई इंप्रेशन मौजूद है ये इंडियन आर्मी में और इंडिया में? देखिए, मेजर साहब ने बहुत कुछ बोला, बहुत सारे पॉइंट्स मैं याद करता चला गया। आर्मी की सेफरनाइजेशन हो रही है, आर्मी में ऑफिसर्स जो हैं वो बीजेपी अपने डाल रही है। ये प्रॉब्लम एक ऐसे कंट्री से सुनाई दे रही है हमें जिसकी आर्मी उसके गवर्नमेंट को रूल करती है। मैं नहीं बोल रहा, आपके प्राइम मिनिस्टर ने अभी समा टीवी को इंटरव्यू दिया और खुद बोला कि ऑपोजिशन लीडर्स की मीटिंग हो रही थी, मैंने जनरल बाजवा को भेज दिया। वो जनरल बाजवा को भेज रहे हैं ऑपोजिशन पार्टी की लीड, उसको ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स की मीटिंग में अगर आपके आर्मी चीफ बैठे हैं तो आप समझ लीजिए कि कितना इंटरफेरेंस है, और वो इंटरफेरेंस का आरोप इंडिया पे लग रहा है। दूसरी चीज इन्होंने बोला कि ऑफिसर्स जो हैं वो जबान नहीं समझते जूनियर्स की। जी राजा साहब ने बोला कि हमारी आर्मी ने रूल किया क्योंकि इंडिया एक बहुत पावरफुल कंट्री है, उससे डील करना था। भाई, आर्मी को क्या ये बोल के रिक्रूट किया गया था कि आप हमारी कंट्री पर कब्जा कर लेना? नहीं ना भाई, आपके आर्मी को अगर रखा था कि इंडिया से लड़ना तो उसने अपने कंट्री पे ही क्यों कब्जा कर लिया? मिशन ही चेंज हो गया मिडवे, बहुत बढ़िया। दूसरी चीज आपने बोला कि सिक्योरिटी इशू था, उस पर आर्मी चीफ को करना था। भाई, हमारे यहाँ अमेरिका में, ब्रिटेन में सिक्योरिटी इश्यूज भी अगर ऑपोजिशन से या पार्लियामेंट में डिस्कस करने हैं तो उनका एक डिफेंस मिनिस्टर जाता है। डिफेंस मिनिस्टर किस लिए होता है? हमारा डिफेंस मिनिस्टर किस लिए भाई? वो यही तो बताएगा जाके कि मैं डिफेंस मिनिस्टर हूँ, डिफेंस आर्मी नेवी एयरफोर्स चीफ मेरे अंडर काम करते हैं, मैं बताने आया हूँ आपको। तो पूरी दुनिया में जब ये हो रहा है तो हो सकता है पाकिस्तान में इससे अलग रिवाज हो, मैं मान लेता हूँ। चलिए, अब जहां तक बात कि एफएटीएफ, इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है और इंडिया कंट्रोल कर रही है एफएटीएफ को। अरे भाई, इंडिया एफएटीएफ को कंट्रोल कर रहा है, बहुत सारी चीजें कंट्रोल हो रही है ना। आप भी चाइना के साथ मिलकर बहुत कुछ कर रहे हैं और आपने भी बहुत कुछ बोला कि हम कर लेंगे, हम भी एक बड़ी पावर है आज। सऊदी अरेबिया मुस्लिम कंट्री, आप तो इस्लाम का झंडा लेके घूमते हैं ना, मुस्लिम कंट्री, आपके आर्मी चीफ वहां पहुंचे हुए थे, साथ में शायद आईएसआई चीफ भी थे, टाइम नहीं दिया मिलने का। भाई, नहीं नहीं आप ऐसी बात टाइम नहीं नहीं है, दे, नहीं ऐसी मिलना बात नहीं चाहते भी थे। ठीक है, नहीं ऐसी बात मैं नहीं, मिलना आपकी, चाहते नहीं थे। जो वो मांग रहे थे वो हम दे नहीं सकते थे, फिर मिलने का क्या मकसद? हाँ बिल्कुल सही, चलिए मैं बालू। अरे भाई, कर्टसी विजिट होती है, जब एक आर्मी चीफ आया वो नहीं एक नहीं कर्टसी कर्टसी पे भी विजिट मिल नहीं है लेता है, सर, कोई कर्टसी कर्टसी विजिट पे भी नहीं कोई मिल होती। लेता है ना। ये देखिए, चलिए, हमारे नहीं फॉरेन सर, मिनिस्टर ने सर स्टेटमेंट दे दी थी सर सर पहले, मेजर हमारे साहब फॉरेन जब मिनिस्टर आप ने बोल रहे स्टेटमेंट थे, दे दी थी पहले। मेजर साहब जब आप बोल रहे थे तो मैं चुप था, आपको मेरे जवाब देने के लिए इंस्टेंटली घुसना पड़ता है, देख लीजिए आप, है ना। सॉरी सुनिए, सॉरी सॉरी एक एक चीज होती है प्रोटोकॉल। अब प्रोटोकॉल क्या होता है कि पाकिस्तान का प्रेसिडेंट यहां आएगा तो हमारे प्रेसिडेंट को जाना पड़ेगा, उसे रिसीव करना पड़ेगा, राइट। प्रोटोकॉल ये भी होती है कि कोई सीनियर ऑफिसर आया हुआ है तो उससे मीटिंग होगी, वहां पहुंच के समझ में आया। एक चीज होती है आर्मी ऑफिसर्स ऑफिस, आर्मी चीफ्स ऑफिस, एक चीज होती है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, वो पहले बात करता है दूसरा प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस। हमारे प्राइम मिनिस्टर का विजिट है अगर पाकिस्तान में तो पहले दोनों ऑफिस बात करेंगे कि इन चार चीजों पर डिस्कशन है, और फिर हमारे सेक्रेटरीज बात करेंगे, फिर मिनिस्टर्स बात करेंगे, तब हमारा प्राइम मिनिस्टर जाता है कि ये पांच चीजें डिस्कस होनी है, आप इस पर आगे बात करेंगे। जब आपको वहां रियाद पहुंच के, सऊदी अरेबिया पहुंच के पता लगा कि हम ये पांच चीजें लेके आए थे, वो तो मान ही नहीं रहे। यार ऐसे थोड़ी होता है भाई, ऐसे थोड़ी होता है। पहले ऑफिस ने क्या किया? लेकिन इंडियंस बड़े खुश हैं इस हवाले से। लेकिन रोहित भाई ये तो बताएं जरा, मैं बस इसको कंक्लूड करता हूं अगले 2 4 5 मिनट में, एक छोटा सा सवाल आपसे और फिर मेजर साहब से। वो मैं दरअसल अपने टॉपिक के साथ रहना चाहता हूं कि ये जब से मोदी साहब आए हैं, आपको नहीं लगता कि एक तो मीडिया के है तो अंदर बड़ी तलखी आई है इंडियन मीडिया के अंदर, लेकिन एलओसी के ऊपर हमारा जो आईएसपीआर है वो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी को लेके जाता है एलओसी पे बताने के लिए कि वहां पे क्या हो रहा है और किस तरह सिविलियंस को मारा जा रहा है। ये एलओसी के ऊपर वायलेशंस इतनी तेजी से क्यों बढ़ गई? 2014 में तो कुछ 100 में हुआ करती थी, अभी तो 3 3 हजार तक एलओसी वायलेशन होती है। तो ये इंडियन आर्मी को कैसे अहकाम देते हैं मोदी साहब कि भाई जरा एलओसी पाकिस्तान के साथ मामला गर्म रहे, ताकि जो है वो लोग मेरे पे जो है वो ध्यान ना करें, या जो मेरी बैड गवर्नेंस चल रही है, इकोनॉमी नहीं हो रही, और जो मोनेटाइजेशन और बाकी जो इश्यूज थे। अच्छा, मैं आपको इसका बहुत बढ़िया जवाब दूंगा।
मेजर साहब ने बोला कि वो पाम ऑयल दिया हमने मलेशिया को, तो मलेशिया आपने ऐसा कंट्री मान लिया कि जो कि पाम ऑयल पे, शायद आपने भी कुछ मक्खन वक्खन दिया होगा तब वो आपकी तरफ आया होगा। दूसरी बात ये, आपने बोला कि भाई हमने ओआईसी को तोड़ने की कोशिश की, ओआईसी हमारे खिलाफ नहीं बोल रहा। भाई ओआईसी यूनाइटेड नेशंस के बाद सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, और सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में एक वॉइस, मतलब आप क्या चाहते हैं, आप कोई सेल्फ प्रोक्लेम्ड लीडर हैं इस्लामिक वर्ल्ड के, वहां पे आपका बहरीन मोदी को अवार्ड दिया, सऊदी अरेबिया मोदी को अवार्ड दिया, और मोदी गए यूएई में, मंदिर के लिए जमीन दी गई, मंदिर बन गया, राइट। तो आप और इस्लामिक कंट्रीज की वॉइस भी तो देखिए, आपका पैलेस्टीन इंडिया के साथ है, कितनी बार उसने कश्मीर का इशू उठाया था। और आइए लीबिया, कितनी बार है, कितनी बार है सर पिछले 20 साल में, मैं सुनना चाहूंगा। नहीं नहीं, मैंने कहा था फिलिस्तीन आप लोगों के साथ, जब से आप लोगों ने इसराइल से अपना एग्रीमेंट किया ना उनके साथ, डिफेंस एग्रीमेंट्स वगैरह किए हैं, वो पुरानी बात है। प्राइम मिनिस्टर था आप लोगों के साथ सर, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने विजिट किया है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा होता कि फिलिस्तीन हमारे साथ नहीं होता तो प्राइम मिनिस्टर की विजिट नहीं होती। कर लेंगे उसके सर, मेरा जवाब तीन में सर, मेरा जवाब की वजह से प्रॉब्लम है, जब जियाउल हक वहां पे ऐसा कदम उठाते हैं उसको सेपरेट प्रोग्राम कर लेंगे कि वहां हमारा इशू क्या है। हां हां जी सर, मेरा जवाब तो सुन लीजिए आप। अब जहां तक बात है, लीबिया भी आपके साथ नहीं है, ठीक है, सीरिया भी आपके साथ नहीं है। अरे भाई, आप सिर्फ एक टर्की, वन टर्की और दूसरा वो पाम ऑयल, आप दो कंट्रीज को लेके बोल रहे हैं कि पूरा ओआईसी जो है वो हमारे खिलाफ कर दिया इंडिया ने। अरे भाई कैसे 50 कंट्रीज को कंट्रोल कर सकता है क्या इंडिया, ऐसे इतना पावरफुल है। सेंट्रल एशिया में कौन से हैं, अजरबैजान, सेंट्रल एशिया में अक्काशी कहानाबाद बेस कहां है सर, यार आप अपना बात करने पे इंडिया का बेस कहां है, कौन से कंट्री में है, अजरबैजान का नाम ले रहे हैं ना आप। अच्छा चलिए ठीक है, मैं मान लेता हूँ। अब जहां तक बात आती है भाई कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, इन्होंने पूछा कि मोदी जो है क्या ये एलओसी फायरिंग करवा रहे हैं अपनी फेलियर्स को छुपाने के लिए। तो चीमा साहब, मुशर्रफ साहब का टेन्योर बॉर्डर पे बिल्कुल फायरिंग नहीं होती थी उस समय के टाइम पे, आप निकाल के देख लीजिए रिकॉर्ड्स, न्यूज़पेपर की कटिंग्स पे कटिंग्स निकालिए, एक फायरिंग दिखाइए मुझे, क्योंकि मुशर्रफ साहब के टाइम पे आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर यानी कि एग्जीक्यूटिव चीफ एक ही थे, प्रेसिडेंट एक ही थे, ठीक है, और उन्होंने आर्मी को ऑर्डर्स दे रखे थे कि फायरिंग नहीं होगी, तो इंडिया से फायरिंग बंद थी। मुशर्रफ साहब के जाते ही कैसे किसी ने टैप ऑन कर दिया, फायरिंग शुरू हो गई।